गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी हिंदी बुक बसंत से पाठ सात पढ़ेंगे और पाठ सात में क्या दिया गया है, एक कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना है। इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। अब हम पेज नंबर 43 पर देखेंगे। इस कविता में कवि ने हमें परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी अपने मेहनत का साथियों से कहता है कि मेहनत हमारी किस्मत की रेखा है, फिर मेहनत करने से हमें क्या घबराना। हमें मेहनत क्या करना है, हमें मेहनत करना है, मिलजुल के करना है। तो क्या कह रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मतलब सबको साथ मिलकर काम करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि क्या कह रहा है कि मेहनत करने वालों के लिए क्या है, हमने जब साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए हैं तो क्या है, समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने भी शीश झुका लिया है। कल हमने कवि कह रहा है, फिर मेहनत करने से हमें क्या घबराना। कल हमने मेहनत ज़मीन के मालिकों के लिए की है, आज हम अपने स्वतंत्र देश के लिए हमें करनी है। हमारा सबका दुख और सुख एक समान है। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। क्या कह रहा है कभी कि हमारा जो सीना है वो फौलाद का है, मतलब लोहे का बना हुआ है, और हमारी जो बाहें वो भी उसकी बनी हुई है फौलाद की। हम चाहें तो क्या कर दें, चट्टानों को भी काट कर रास्ता बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ मिलकर बोझ उठाना। कभी कह रहा है कि अपने मेहनत का साथियों से कहता है कि हमारी मेहनत हमारी किस्मत की रेखा है, फिर मेहनत से हमें क्या घबराना। कल हमने मेहनत दूसरों के लिए, मतलब जमींदार जमीन के मालिकों के लिए की है, आज हम अपने देश के लिए, स्वतंत्र देश के लिए कर रहे हैं। हम सबका दुख और सुख समान है। हमारी मंजिल तो सच्चाई की है और हमारा रास्ता भी नेक भला है। सभी साथी एक दूसरे की मदद करना चाहिए हमें। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना। क्या कह रहा है कि मेहनत करना हमारी किस्मत की रेखा है और हमें मेहनत से नहीं डरना है। कल हमने गैरों मतलब दूसरों के लिए की है कल मेहनत, आज हमें अपनी खातिर करना मतलब अपने लिए करना है। और हमारा दुख और सुख एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, और हमारी मंजिल क्या है, सच की मंजिल है। और हमारा रास्ता क्या है, सही है, नेक है, साथी हाथ बढ़ाना। अब हमने पूरा पैराग्राफ समझ लिया। इसमें हमें कवि ने क्या बताया गया है, क्या है इसमें। सबसे पहले यदि हम कविता का संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग एक से पाठ सात साथ ही हाथ बढ़ाना से ली गई हैं, और इसके रचयिता कौन है, साहिर लुधियानवी है। अब इसमें हम यदि प्रसंग डालेंगे तो इसमें डालेंगे कि इसमें कवि ने परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है। कवि क्या कह रहा है, हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हम क्या है, आगे बढ़ेंगे। और हमें एक अकेला यदि एक आदमी मेहनत करेगा तो थक जाएगा, हमें सबको मिलकर बोझ उठाना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, कवि कहता है कि हम मेहनत करने वाले हैं, हमने जब भी क्या है अपने कदम बढ़ाए हैं सही नेक की तरफ, तो सागर ने क्या कर दिया, समुद्र ने भी रास्ता छोड़ दिया, पर्वत ने शीश झुका लिया है। हमारा जो सीना है वो फौलाद का है, उन बाहें भी फौलाद की हैं। हम चाहें तो चट्टानों में रास्ता बना दें। मेहनत हमारी किस्मत की रेखा है, मेहनत से हम डरते नहीं। कल हमने दूसरों की खातिर की है, गैरों की खातिर मतलब जब अपने जमींदार जमीन के मालिकों के लिए मेहनत की है, और आज हम अपने खातिर कर रहे हैं। हमारा दुख और सुख एक ही है, और हमारी मंजिल भी एक है, और हमारा रास्ता सही है, सच्चाई का है। अब हम आएंगे पेज नंबर 44 पर। एक से एक मिले तो कतरा बन जाए दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाए सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कवि ने क्या बताया है, कवि ने इसमें कहा है कि मिलजुल कर कार्य करने से अपनी किस्मत को हम अपने बस में करने की बात कही गई है। कि यदि हम एक से एक मिलेंगे तो कतरा क्या हो जाएगा, दरिया बन जाएगा, और एक से एक छोटा सा वो है तो वो क्या बन जाएगा, कवि कहता है एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत के एक कण से रेगिस्तान बन जाता है, मतलब दरिया वो बन जाता है, एक एक राई का दाना पहाड़ बना देता है। राई जो छोटी होती है हमने देखी हुई है, उसको यदि हम करेंगे एक एक दाना इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो
पहाड़ बन जाएगा। उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करें तो अपनी किस्मत बस में कर सकते हैं, अर्थात तुम सब मिलजुल कर आपस में सहारा एक दूसरे का बढ़ो अवश्य बनना और एक दूसरे को सहारा देना। अब इसका संदर्भ क्या है? पूर्व के अनुसार जैसा हमने पहले बताया था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत एक के साथ ही पाठ साथ साथ ही हाथ बढ़ाना से ली गई हैं और इसके कवि जो हैं रचयिता जो हैं वो साहिल लुधियान भी हैं। अब इसका प्रसंग हमें इसमें कवि ने बताया है दूसरे पैराग्राफ इसमें कि हमें अपने मिलजुल कर कार्य करने से हम अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं। कवि कहता है कि एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत के एक कण से रेगिस्तान बन जाता है, एक एक राई का दाना पहाड़ बना देता है। उसी प्रकार इंसान के मिलजुल कर कार्य करें तो हम अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं, अर्थात हम मिलजुल कर आपस में एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अब हमारा एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।